ममता बनर्जी ने कहा बंगाल तोड़ना आसान नहीं, तो मिथुन दा ने किया पलटवार, कह दिया कि 38 विधायकों से पूछ कर देख लीजिए तो क्या बंगाल में खेला होबे, और क्या उद्धव की तरह जाएगी ममता बनर्जी की कुर्सी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि बीजेपी के निशाने पर वो कौन से चार राज्य होंगे जहां पर राजनीतिक खेल हो सकता है। बताएंगे आपको हर एक सवाल का जवाब, क्योंकि एक सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि चार चार राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी की नजर है। मगर ये बहस कहां से और क्यों शुरू हुई, और क्यों बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती अचानक मीडिया के सामने आए और इतना बड़ा दावा कर दिया कि हर कोई ये पूछने लगा कि क्या मिथुन दा बंगाल के शिंदे बनने वाले हैं। पहले सुनिए मिथुन दा ने क्या कुछ कहा, फिर आपको बताते हैं आखिर किन किन राज्यों में कमल खिल सकता है। 38 तृणमूल MLA আমাদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক আছে, তার মধ্যে 21 জন আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট। वैसे कहने वाले दबी जुबान में कह रहे हैं कि इस बात का अंदेशा दीदी को पहले ही लग चुका था। शायद इसलिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की कुर्सी जब गई तो ममता बनर्जी बेचैन हो उठी। उनके सुर भी कुछ बदले बदले से हैं ताकि सरकार बची रहे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कुर्सी अब ज्यादा दिनों की मेहमान है। वैसे भी राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि PM मोदी से जिसने भी दुश्मनी ली, अमित शाह उससे एक ना एक दिन बदला जरूर ले लेते हैं, और बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। वैसे मिथुन के बयान सुनने के बाद TMC उन्हें मानसिक रूप से बीमार बता रही है, लेकिन BJP के सियासत का ये स्टाइल रहा है कि पहले नेता बयान देता है, फिर उसके बाद बवाल होता है, और देखते ही देखते अमित शाह के इशारे पर फैसला ले लिया जाता है, और फिर उसके बाद सबकी बोलती बंद। तो आपके जहन में सवाल होगा वो चार राज्य कौन से हैं, और क्या वाकई बंगाल में ममता की सरकार जाने वाली है। पहले ममता की सरकार क्या इतनी आसानी से चली जाएगी, तो इस सवाल का जवाब भी आप जान लीजिए। मिथुन दा ने दावा तो कर दिया विधायक उनके संपर्क में हैं, मगर विधानसभा का रूप क्या है अब वो भी देखिए। बंगाल विधानसभा चुनाव में TMC ने 294 में से 213 सीटें जीती, जबकि BJP के पास पश्चिम बंगाल में 77 सीटें हैं। अगर 38 विधायक BJP के पास आ भी गए तो BJP में विधायकों की संख्या 115 हो जाएगी, जो बहुमत से 32 सीटें कम है। यानी अगर बंगाल में महाराष्ट्र वाला खेल करना है तो 70 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि महाराष्ट्र में भी याद कीजिए, शुरू में शिंदे के साथ 20 विधायक थे, बाद में ये संख्या 40 के पार हो गई। महाराष्ट्र के साथ साथ BJP की नजर जिन चार राज्यों में हो सकती है, आइए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। उसमें नाम छत्तीसगढ़ का फहरिस्त में बताया जा रहा है, दूसरा नाम झारखंड का, और तीसरा नाम बंगाल के साथ साथ राजस्थान का भी है। बंगाल से पहले छत्तीसगढ़ में TS के इस्तीफे ने खेल क्या शुरू कर दिया है, और झारखंड में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर हेमंत सोरेन ने संकेत दे दिया कि हम BJP के सामने नतमस्तक हैं, तो वहीं राजस्थान में पायलट पहले ही तैयार बैठे हैं। हालांकि उनका मूड कुछ बदला बदला सा लग रहा है, लेकिन कहते हैं कि BJP जहां बहुमत में होती है वहां तो सरकार बनाती है, लेकिन जहां बहुमत में नहीं होती वहां सरकार जरूर बनाती है। अब देखना ये होगा कि क्या पश्चिम बंगाल में BJP सरकार बना लेती है, या ममता BJP के चक्रव्यूह को तोड़कर अपनी कुर्सी बचा लेती है। और बाकी बचे 3 राज्य, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।